चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चलने वाली शताब्दी ट्रेन जिसका अंबाला छावनी में 2 मिनट का ही स्टॉपेज होता है, उसको लेकर इन दिनों यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस ट्रेन के 2 ही डिब्बों में अंबाला से चढ़ने वाले यात्रियों की रिजर्वेशन करवाई जाती है। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों की माने तो उन्हें इस ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी धक्का मुक्की करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन यहाँ पर 2 ही डिब्बों में होती है और ट्रेन यहाँ पर महज 2 मिनट के लिए ही रुकती है, जिसके चलते ट्रेन में जल्दबाजी में ही चढ़ना पड़ता है। और मैं शताब्दी में जा रहा हूँ, 120 नई दिल्ली जा रहा हूँ, बढ़ाया जाए और कोचेस में भी रिजर्वेशन हमें मिले। दिक्कत मतलब उसमें कई बार रिजर्वेशन मिलती भी नहीं है, क्योंकि या तो कोटा सिस्टम होगा या और बढ़ाया, दिक्कत तो रिजर्वेशन मिले और प्लस जो यहाँ से चढ़ने वाले पैसेंजर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं अम्बाला से रिजर्वेशन कराया और अम्बाला से दिल्ली जा रहा हूँ, कौन सी ट्रेन? शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहा हूँ। और इसमें यहाँ से दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि C2 और C3 में ही रिजर्वेशन मिलता है, बाकी में मिलता नहीं है। तो अगर ट्रेन के सभी कोचेस में मिल जाए रिजर्वेशन तो काफ़ी सुविधा होगी है। इसलिए यहाँ सुविधा, यही सुविधा कमी है कि दो ही कोचें मिल पाती, सभी को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। स्टॉपेज 2 मिनट का है, 2 मिनट में, 2 मिनट के बाद चल देती, उसी में 2 मिनट में उतरना भी है यात्रियों ने और चढ़ना भी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है चढ़ने उतरने की भी। ऐसा नहीं है कि रेलवे के आला अधिकारियों को यात्रियों की इस परेशानी का नहीं पता, लेकिन अधिकारी हर बार इस समस्या का जल्द समाधान होने का दावा करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये हमारी जो चंडीगढ़ से शताब्दी चलती है दोपहर में और 1:46 जो है, इसमें हमारी जो बोर्डिंग थी वो C2 और C3 कोचेज में थी, जिसकी वजह से पब्लिक को थोड़ी परेशानी हो रही थी। एकदम स्टॉपेज भी कम था और पब्लिक की जो सारी बुकिंग थी वो C2 और C3 में होने की वजह से थोड़ा परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, एकदम ओवरक्राउडिंग का मामला था। तो जिसको कि हमने निर्धारित अपने ऑफिसर्स को थ्रू क्रिस को इन्फॉर्म किया गया है, ये दिसंबर में हम लोगों ने इसका प्रपोजल भेज दिया था कि ये सारी सीट्स जो हैं इंस्टेड ऑफ C2 C3 इसको पूरी गाड़ी में डिफरेंट कोचेज में इसको नॉमिनेट कर दिया जाए, ताकि रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली उन्हीं कोचेज में हो और ओवरक्राउडिंग जो है वो प्लेटफॉर्म पे ना रहे। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अंबाला से जुड़ी हुई खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।